मोदी सरकार पार्ट टू का एक साल ऐतिहासिक माना जा रहा है। तीन तलाक बिल में बदलाव की बात करें या फिर नागरिकता कानून संशोधन में, ये काम ऐतिहासिक कामों से कम नहीं है। इन मुद्दों पर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का पार्ट टू का एक साल पूरा हो चुका है। इन एक साल में कितना बदला देश, क्या कुछ जनता की उपलब्धियां रही, इस सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और जनता ने क्या कुछ पाया, इन सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक साल में की बात करें, पूरी छः साल की ओर हम बात करें तो योगी मोदी सरकार क्या उपलब्धियां सर रही हैं? मोदी सरकार जी के लिए मैं एक साल पूरा करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कारनामों से, अपने किए हुए कृत्यों से पूरी जनता में एक अटूट विश्वास अर्जित किया है। देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं थीं उनको हल करके उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, विदेशों में भी उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर प्रकार से एक सक्षम नेतृत्व उन्होंने पूरे देश को देकर एक अनुकरणीय उदाहरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। एक साल की क्या उपलब्धियां खासकर जो ऐतिहासिक लोग मानते हैं एक साल? देखिए, कश्मीर की समस्या बरसों से चली आ रही है। एक शायर ने कहा था कि इतिहास के लम्हों ने वो दौर भी देखे हैं, इतिहास के पन्नों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम बरसानुबरस तक कश्मीर की समस्या को लेकर बैठे थे और किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके ऊपर हाथ लगाए। तो बिल्कुल सही बात है कि देश में विपत्ति हो तो ऐसे में पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक हो जाना चाहिए और जमकर लड़ाई लड़नी चाहिए। कैमरा सर रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, के न्यूज लखनऊ।